हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हमारा गेम नहीं चल रहा है क्योंकि आज आने वाला है फ्री फायर का OB35 अपडेट, जिसके आने के बाद हमारा पूरा का पूरा फ्री फायर होने वाला है चेंज। तो क्या क्या चेंज आने वाले हैं फ्री फायर के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूँ छोटी सी वीडियो पर। टोटल 15 चेंज होने वाले हैं, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपना गेम आज अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद ओपन करोगे, तो सबसे पहला जो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपके सामने ही होगा। जो आप सामने देख सकते हो, पूरा का पूरा जो फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होते हैं, वो चेंज हो जाएंगे। फ्री फायर का जो लोगो है फ्री फायर मैक्स का, वो भी चेंज हो जाएगा इस अपडेट के बाद। तो ये हमारा पहला चेंज है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड चेंज पर, जो कि ये न्यू वेपन। तो आप लोग सामने देख सकते हो, ये एक नई गन है, इसके अंदर SMG गोली डलती है। ये वाली गन आपको अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इसका लुक आप लोग सामने देख ही सकते हो। तो ये हमारा सेकंड चेंज। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले चेंज पर, जो है न्यू पेट। तो न्यू पेट का लुक आप सामने देख ही सकते हो। इसका नाम है हुड और ये एक उल्लू है। अब इसकी एबिलिटी के बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं आपको फटाफट क्लियर कर रहा हूं क्या क्या चेंज आने वाले। तो ये था हमारा थर्ड चेंज। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ चेंज, जो कि हमारा न्यू कैरेक्टर। तो इस अपडेट के बाद आपको दो नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं गेम के अंदर। पहला कैरेक्टर है जस्टिन बीवर का और दूसरा कैरेक्टर है हमारा एक फीमेल कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टर आपको तुरंत तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, पर कोई ना कोई इवेंट में आपको ये दोनों कैरेक्टर मिल जाएंगे इसी अपडेट के रहते हुए। तो ये दो नए कैरेक्टर आपने देख लिए, इनकी एबिलिटी के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताने वाला। तो ये था हमारा फोर्थ चेंज। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चेंज है वो काफी ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि वो एक अलग ही चेंज है। तो वो है हमारा सुपर मेड किट। अब इसका क्या यूज है, कैसे इसको यूज करना है, सब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, सुपर मेडकिट इस तरह से दिखाई देती है और ये मेडकिट ही है, पर एक अलग ही लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी मेडकिट है। अगर आप लोग इसका यूज करना चाहते हो तो मेडकिट वाले बटन को होल्ड करोगे, तो उसके बाद आप लोग ये सुपर मेडकिट का यूज करते हो, तो आप नीचे HP देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ जाता है आपका। तो सुपर मेडकिट इस तरह से आपका HP बढ़ाती है काफी ज्यादा। तो ये सुपर मेडकिट भी आपको इस अपडेट करने के बाद देखने के लिए मिल जाएगी गेम के अंदर। तो ये था हमारा फिफ्थ अपडेट। इसके बाद जो हमारा सिक्स अपडेट है वो मेरे लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए होगा कि नहीं पता नहीं। तो वो है हमारा लूट बटन। तो यार आपको पता है कस्टम HUD में जो हमारा लूट बटन होता था वो मूव नहीं करता था, पर इस अपडेट के बाद हमारा लूट बटन है वो इधर उधर आप कर सकते हो। और यार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मेरी कस्टम HUD है उसमें ये मूव बटन बीच में आता था, तो मेरे लिए यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये था हमारा सिक्स अपडेट। इसके बाद हमारा सेवन्थ अपडेट है, इन भी बंदों से ग्लू वॉल स्लो लगती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हो सकता है। तो जो ग्लू वॉल वाला बटन होता है उसमें एक चेंज आने वाला है। मतलब आपको अभी पता है कैसे ग्लू वॉल लगती है, मतलब आप लोग ग्लू वॉल सिलेक्ट करो, उसके बाद आप लोगों को फायर वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ग्लू वॉल लगती है। पर आप लोग इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब अगर आप लोग चाहो तो जो ग्लू वॉल वाला बटन होता है जहाँ से आप ग्लू वॉल सिलेक्ट करते हो, उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे वैसी आपकी ग्लू वॉल लग जाएगी। मतलब एक बार क्लिक करने में ही आपकी ग्लू वॉल लग जाएगी, आपको फायर वाले बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूज़ आप लोग कर पाओगे एकदम से या फिर नहीं, वो तो आपको अपडेट आने के बाद यूज़ करोगे तभी पता चलेगा। तो ये वाला अपडेट था हमारा सेवन्थ नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 8 नंबर के चेंज की तरफ, जो कि छोटा सा अपडेट है। मतलब जो मैसेज वाला बटन होता है उस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको एक अलग सा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, आपको सर्कल वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे मैसेज दिखाई देंगे। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, बस एक लुक चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा 8 नंबर का चेंज। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 9 नंबर के चेंज पर, जो कि है न्यू मैप। तो इस वाले अपडेट के बाद आपको एक नया मैप देखने के लिए मिलने वाला है गेम के अंदर, जिसका लुक आप लोग पूरा का पूरा आप लोग सामने देख सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इस वाले मैप के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल से नया मैप आया है और देखने में तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर गेम खेलने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो ये था हमारा 9th चेंज। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 10th चेंज की तरफ, और ये वाला चेंज उन बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिन भी बंदों को कस्टम रूम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब वो लोग फ्री में खेल सकते हैं कस्टम रूम, क्योंकि कस्टम रूम वाले ऑप्शन पर आपको एक न्यू बटन देखने के लिए मिलेगा क्विक ज्वाइन का, जिस पर आप लोग जैसे क्लिक करते हो वैसे आप लोग किसी के भी कस्टम रूम पर ज्वाइन हो जाओगे और फ्री में खेल सकते हो। मतलब जिन भी बंदों का पासवर्ड नहीं डाला होगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो फ्री फायर है वो रेंडमली ज्वाइन कर देगा उन बंदों के साथ जिनके भी कस्टम रूम पर पासवर्ड नहीं है। तो काफ़ी अच्छा चेंज है कस्टम रूम खेलने के लिए। तो ये था हमारा 10th नंबर का चेंज। अब मैं आपको बताता हूँ 11th नंबर का चेंज है, जो कि ड्रोन व्यू है। आप देख रहे होंगे कैसा ड्रोन व्यू देख रहा है, तो ऐसा भी आप लोग देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग रिप्ले पे जाओगे तो यहाँ पर आप अपनी जो रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें आपको एक ड्रोन व्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा व्यू देख सकते हो इस तरीके से। तो ये वाला चेंज भी आपको इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12th नंबर के चेंज पर, जो कि होने वाला हमारा लास्ट चेंज, जो है हमारा गोल्ड रॉयल। तो आप लोग गोल्ड रॉयल देख सकते हो हमारा अपडेट के बाद, ये गोल्ड रॉयल रहेगा, इसके बंडल भी आप सामने देख सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट चेंज। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फटाफट मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अभी तक वीडियो पर रुके तो यार लाइक करते हुए जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते किसी और वीडियो पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।